हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मनीष ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा तो सब काम धाम हो गया है। आज फ्राइडे है, इधर मेरा चाय बन रहा है पूरा एक भगोना देख के लगी है एक भगोना, लेकिन डेढ़ गिलास बनाना है, एक गिलास अपने लिए, थोड़ा सा पतिदेव के लिए, क्योंकि चाय हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, पतिदेव नहीं पीते हैं, वो ना के बराबर पीते हैं, वो सब्जी रोटी खाते हैं तब लेते हैं चाय। अभी चाय बना रहे हैं, जा रहे चाय पीने। नैन्सी भी सो रही है, पतिदेव भी सो रहे हैं, बैठ जाते हैं तब तक। हम तो सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि मेरी ताड़का उठ जाती है तो फिर काम नहीं करने देती है, फिर लेट होते रहता है। तो सोचते हैं जब तक सोइए तब तक फटाफट से सब काम निपटा लें अपना। झाड़ू पोछा लगाए, फिर ब्रश किए, फिर नहा के कपड़ा धुला। आज कपड़ा भी काफ़ी था धोने के लिए। आज एक बेडशीट धुले हैं, उसको उतार कर रखे थे 3 दिन से बेडशीट को, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा था तो नहीं धुल रहे थे। कपड़ा भी फैलाने के लिए जगह चाहिए होता है तो नहीं धुल रहे थे। कहीं गैस भाग रही है तो आज धुल लिया। आज चार पतिदेव का था, गए थे वो परसों उधर बाहर, तो उधर से आए थे तो वो 2 सेट था। कल का ड्यूटी का था, नैन्सी का 1 सेट था, शाम को चेंज किए थे उसका, एक मेरा था, एक बेडशीट था। तो धुल के सब डाल दिए हैं, जा रहे हैं चाय बना के पियेंगे। आज तो नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए नाश्ता। कल पतिदेव प्लांट से खाना खा के आए थे, फ़ोन करके बोले भी नहीं थे कि हम खाना खा के आएंगे, हम शाम को बना दें। हम करीब 9:30-10 बजे रोटी बनाए, सब्जी तो बना दिए थे, करीब 7:30-8 बजे ही सब्जी बना के रख दिए थे, लेकिन रोटी लेट बनाए थे। फिर भी ये फ़ोन करके नहीं बोले। जब रात में हम खाना निकाले तो बोले हम खाना खा के आए हैं, तो वो भी खाना अभी पड़ा है, रोटी है, सब्जी है। कल इनके प्लांट से नाश्ता मिला था तो वो भी नहीं खाया, तो घर पे ही लेके आए, फ्रिज में रखा पड़ा है। अब सोच रहे हैं वो सो के उठेंगे तभी पूछते हैं क्या खाते हैं, नहीं तो ऐसे रोटी बना देते और ऑमलेट बना देते, सब्जी मिक्स करके खा लेते। ये तो सावन चल रहा है, सावन में तो चिकन विकन सब चलता नहीं है। वैसे पतिदेव तो बाहर जा कर खा ही रही है, घर पर नहीं बन रहा, घर पर हम बना नहीं रहे तो बन नहीं रहा। पतिदेव बाहर कुछ पार्टी वार्टी हो रही है तो खा ही ले रहे हैं बाहर में। वैसे कोई मना तो नहीं करता है कि सावन में नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाते तो नहीं खाते हैं। देखते हैं नाश्ते में क्या था। शायद सैंडविच था, खोल के देखे भी नहीं थे। सैंडविच था इतना, ये 2 पैकेट ये नाश्ता था, और 4 ये कोल्ड ड्रिंक था। ये ऑरेंज वाला है और ये लेमन वाला है। टाटा 5 रुपये वाली छोटी छोटी नमकीन थी, और वो क्या बोलते हैं मूंग दाल था, 4 वो था, 2 पैकेट है वो, शायद उसमें सैंडविच है और कटलेट है बोल रहे थे कि। हम तो खुल के देखे नहीं, वैसे ही दादू ला के फ्रिज में रखती है, और सैंडविच होगा तो उसको गर्म करके वही खवाएगा, देखते हैं क्या होता है। नाश्ता तो वो सो के उठेंगे तभी बनाएंगे। वैसे तो सब्जी है खाएंगे, वही तो रोटी बनाएंगे उनके लिए, गर्मी हो रही है। चलिए चाय पीते हैं, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। यहाँ मैं चावल साफ़ कर ले रही हूँ। गांव से चावल आया था तो उसमें 1-8 खून वून दिखाई दे रहा था, तो इस वजह से इसको साफ़ कर ले रहा है। अच्छे से साफ़ करके फिर रख देंगे इसको, तो फिर डालने में नहीं दिक्कत होगा, नहीं तो फिर कभी भी डालते तो फिर इसको बेलना पड़ता है अच्छे से, इसलिए खूब अच्छे से इसको साफ़ करके तब रख दे रहे हैं।
गुड मामा बेटा चलिए हम पढ़ते क्या पढ़ोगे क्या है वो ओ से अना गुड मामा हाँ आ से आप हाँ ई से इमली और इसे ए पर इसे एक ओ से उल्लू ना मामा ओ से उल्लू क्या फिर बड़ा ओ से ऊन बड़ा ओ से ऊन फिर ये क्या है ये री से हाँ फिर ए से ऐसे एड़ी फिर ऐसे मामा बोले ऐसे ऐना हाँ ओ से ओकली हाँ और से ऑर्डर अंगूर आ से अंगूर मत बोले यहाँ मैं शाम का चाय वाला बर्तन धुल ले रही हूँ साथ में कुकर भी धुल ले रहा है इसमें आलू बॉयल किए थे तो इसलिए कुकर भी साथ ही में धुल दे रहा हूँ और चाय वाला बर्तन और बाकी और सब बर्तन तो दोपहर में ही धुल दिए थे पति देव जब खाना खाए थे नंची खाना खाए थे फिर उसके बाद ही धुल दिए थे सब खा बना ले रहे हूँ दिन का दाल बचा है दोपहर का तो कुछ ऐसी सब्जी समझ में नहीं आ रही थी तो सोचे चोखा ही बना लेते हैं आलू का ये अचार डाल के चोखा बनाया ये भी बहुत बढ़िया लगता है ये भून के बनाना भुना वाला भी अच्छा लगता है और बिना भुना वाला भी तो मैं इसको प्याज डाल के थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च और करी पत्ता डाल के भून ले रही हूँ ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में दोपहर में दाल थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो बचा था तो सोचे कि उसको जीरा से ही बस छौंक देते हैं और थोड़ा सा चोखा बना लेंगे सब्जी बनाते हैं तब भी उसमें मसाला वसाला पड़ कर करता इसलिए सोचे कि बस ऐसे सूखा है थोड़ा सा चोखा बना लेते हैं चलिए गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट